हाय यूट्यूब, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्शन ट्रेनिंग सेंटर से। और सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेजेस डाले, कमेंट्स डाले मेरे हेल्थ को लेके। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ अपने हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि मेरी शुगर 300 से ऊपर चली गई है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा बढ़ गया है, वजन भी बहुत ज्यादा हो गया है। और आप लोगों से मैंने राय मांगी थी कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कॉल करके मुझे एक्सप्लेन किया, बहुत सारे प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं हमारे व्यूअर और मेरे स्टूडेंट्स भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया और हमने चला। तो अभी मेरा दूसरे एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ता का ब्लड टेस्ट का दूसरा रिपोर्ट आया है। आप देख सकते हैं कि पहली रिपोर्ट जो हमारी थी, ये रिपोर्ट थी आपकी 28 मार्च की। जी हाँ, ये 28 मार्च का रिपोर्ट है जहां पे क्लियरिटी नेल्सन है मेरा ब्लड शुगर का, जिसमें 325 हमारा फास्टिंग का था और 321 हमारा पीपी था, तो खाना खाने के बाद था। अब आज ये रिपोर्ट आया है 3 अप्रैल का, और फर्क देखिए, फर्क है जो फास्टिंग है 165 और खाने के बाद 203 है, मतलब जो फास्टिंग था 225 वो घट के आ गया 165, मतलब कि आपका 50 और 35 और 25 60 यूनिट जो है हमारा घटा है। और दूसरा 321/300, मतलब कि 121 घटा है फास्टिंग इसका खाने खाने के बाद। ब्लड प्रेशर वो भी हमारा ब्लड प्रेशर का भी जो रिकॉर्ड है वो ब्लड प्रेशर का भी रिकॉर्ड घटा है। ब्लड प्रेशर का तो जो था पहले, वो पहले हमारा था 98/160। हालांकि ब्लड प्रेशर में ज्यादा सुधार नहीं है, ब्लड प्रेशर मेरा है 94/152। डिजिटल से हमने जांच करवाया था और वजन भी मेरा अभी 93 है, 1.5 kg वजन भी मेरा घटा है। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि इस एक हफ्ते में मैंने क्या किया कि मेरा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम हुआ, शुगर बहुत ज्यादा कम हुआ और वजन भी मैंने 1.5 kg लूज किया। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो मैंने 6 घंटा सोया हूं, 8 घंटा तो नहीं सो पाया, बट हाँ 6 घंटा कंप्लीट नींद हमने ली है। पानी की डोज मैंने डबल कर दी है, मैंने अपने वाइफ को बोल दिया है कि आप हर घंटे घड़ी देख के एक गिलास पानी आप मुझे ऑफर करेंगे पीने के लिए। फिर एक बार में ज्यादा पानी पीने से क्या होता है कि शरीर को कुछ भी एक्स्ट्रा आप देते हैं तो उसको क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो पानी अगर ज्यादा पीते हैं तो शरीर से बाहर निकल जाता है जो एक्स्ट्रा होता है। तो हर 1 घंटे पे पानी देता है कि 1 घंटे पे मेरा पानी अब्जॉर्ब हो जाए, शरीर में अब्जॉर्ब हो जाए। तो हर 1 घंटे पे सबसे पहले पानी पी रहा हूं। नमक हमने बिल्कुल खाना छोड़ दिया है, बिल्कुल मतलब कि ऊपर से जो नमक खाते थे वो छोड़ दिया और नमक बहुत ही कम कर दिया है। आलू खाना छोड़ दिया है, तेल मसाला खाना छोड़ दिया है। अब जो है जैसे भरता वगैरह खाता हूँ, जैसे कि भिंडी का भरता हो गया, परवल का भरता हो गया, केला का भरता हो गया, ऐसे भरता वगैरह खाता हूँ। डाइट मेरा चेंज हो गया, चावल देखा भी नहीं है 7 दिनों में, 28 तारीख से 3 तारीख तक हमने चावल को देखा भी नहीं है। उसके बाद मीठा हो तो पहले से भी नहीं खाता था, मीठा तो मैं लाइक ही नहीं करता। और दूसरा जो है, मैंने सुबह सुबह 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक किया, 5 बजे मैं वॉक के लिए निकलता हूँ और 6:30 से पहले आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी पहली क्लास 6:30 को होती है मॉर्निंग में, तो पहले आ जाता हूँ। सुबह भी, दोपहर भी और शाम को जब भी खाना खाता हूँ तो मैं बाहर तो नहीं टहल पाता, लेकिन हाँ मेरे 3 रूम का फ्लैट शेप है हमारा, तो 3 रूम हम टहलते हैं, आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा टहल लेता हूँ। क्लासेस जो है हमें कोशिश करता हूँ खड़े होकर लेना, कॉल्स पे जो हम बातचीत करते हैं तो खड़े लेके बात करने में टहलते हुए बात करता हूँ मैं। उसके अलावा जिम वगैरह तो ज्वाइन मैंने नहीं किया, क्योंकि जिम वगैरह डॉक्टर से मैं मिला हुआ है, उन्होंने भी बोला है कि जिम वगैरह आप नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस वजह से शुगर पे फर्क तो पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है कि मैं मॉर्निंग में एक पूरा करेला कच्चा खाता। कौन कहता है कि आयुर्वेद से जल्दी इलाज नहीं होता है? अब सोचिए कि एक कच्चा करेला हर सुबह मॉर्निंग में चबा के खाली पेट खाता हूं, और एक लक्ष्य
एक लहसुन का जो कोट होता है वो कोट, और आपके सामने एक हफ्ते में मेरा 125 पॉइंट जो है मेरा शुगर घट गया है। कोई मेडिसिन नहीं, मेडिसिन अभी तक मैंने ली ही नहीं है, परचेज ही नहीं, डॉक्टर ने लिखा लेकिन मैंने उसको परचेज ही नहीं किया, बस रूटीन चेंज किया, टाइमली खाना खाया, 6 घंटे की नींद ली, 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम का वॉकिंग किया, खाना खाने के बाद टहला, तो कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं किया मैंने, मैं जस्ट टहला, मैं वॉकिंग के लिए गया, बाहर वॉक किया, क्योंकि अभी शुरुआत में मैं एक्सरसाइज चला जाऊं, जिम चला जाऊंगा, खूब सारे दौड़ू, स्पॉट मारू, वेट उठाऊ, तो फिर शरीर मेरी रात को 11 बजे तक क्लास लेने के लिए अलाउ नहीं करेगी शुरुआत में, और काम इफेक्टिव हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि अब मन और टहलते नहीं, अब मैं जॉगिंग करता हूँ, मतलब कि धीरे धीरे तेज चलने ही चलता हूँ, तो एक दिन में दौड़ जाऊंगा उसकी प्रॉब्लम होगी कि पूरा शरीर दिक्कत करेगा, तो पहले हमने आदत शरीर को हैबिट दिया टहलने का, वॉकिंग करने का, फिर अब मैं अब जो आदत दे रहा हूँ तेज चलने का, और जब तेज चलने की, एक हफ्ता तेज चलूंगा, कल से मैं तेज चलने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा जॉगिंग का, लेकिन मैं हर हफ्ते ब्लड रिपोर्ट चेक करवाऊंगा। आज बुधवार को मैंने किया, अगले बुधवार को दोबारा मैं अपना ब्लड शुगर और बीपी को जांच करवाऊंगा, वेट जांच करूंगा, और देखूंगा कि अभी के मुकाबले मतलब 165/200 से नीचे आता है या नहीं आता है, कोई मेडिसिन लिए बगैर, चाहे बीपी का हो चाहे शुगर का। तो और सबसे पहले कि आप लोगों को थैंक्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिए और उनकी सजेशन को मैंने फॉलो भी किया और मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। तो आपकी भी कोई रिलेटिव, आपकी भी कोई ऐसे जानकार दोस्त हैं जो कि ब्लड शुगर से जूझ रहे हैं, तो आप उनको, मैंने जो फॉलो किया है उसको बोलिए कि हाँ वो जो है एक करेला सुबह खाली पेट खाए, बीज निकाल के कच्चा चबा के, एक दो दिन तीता लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। एक लहसुन ज्यादा नहीं में खाइएगा क्योंकि पेट में जलन होती है शुरुआत में, एक लहसुन का जवा उसी के बाद खाइए, पानी पिए, और सुबह जो है नाश्ता ले लें, नाश्ते के बाद दोपहर में वो जो है फ्रूट्स में अमरूद जरूर रखें, अमरूद जो है वो आपके शुगर के लिए अच्छा होता है, अमरूद जरूर खाएं, साथ में नारंगी वगैरह भी ले सकते हैं, सेब नारंगी भी ले सकते हैं, लेकिन सेब नारंगी वगैरह एज पर चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमरूद से फर्क पड़ता है, तो अमरूद एक अमरूद खाए, अमरूद का सेवन करें थोड़े मात्रा में, खाना का डोज जो आपका ज्यादा है उसको आप घटा दें, जैसे मैं पहले 6-7 रोटी खाता था, अब गिन के मैं 4-5 रोटी ही खाता हूँ, तो खाने का डोज घटा दें ताकि शरीर आपकी एक्स्ट्रा जो फैट है उसको यूज करे। तो ये चीजें मैंने फॉलो किया और पॉजिटिव हमेशा रहे। मैं बीच में डिप्रेशन में चला गया था, मैंने वीडियो बनाया, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको लग रहा होगा कितना उदास चेहरा था और एकदम डिप्रेशन में था कि यार क्या हो गया, लेकिन आज जब मैं रिपोर्ट देखा तो चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान आई है, हिम्मत बढ़ा है, मन प्रफुल्लित हुआ है और एक एनर्जी सा मैं महसूस कर रहा हूँ अपने इस आज के इस रिपोर्ट को देखने के बाद, और मैं कल से जो भी फॉलो कर रहा हूँ सिस्टमली फॉलो करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, और मैं चाहूंगा कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसी डाइट सिस्टम को फॉलो करूँ ताकि मुझे किसी भी जो मैं पिछले हफ्ते झेला है वो ऐसा कभी झेलना ना पड़े, और मैं अपना वजन जो है वो भी घटा लूँ और शरीर को जिम करूँ, क्योंकि डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के कारण जिम जाने से मना किया है, या फिलहाल जिम मत जाइए तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि जिम ना जाऊं। लेकिन दोस्तों अगर आपके मोटापा पे आ रही है शुरुआत है तो प्लीज उसी समय रोक दें। मैंने गलती की थी, मेरा वजन जब धीरे धीरे बढ़ रहा था तो मैं खुश हो रहा था, मैंने वजन को रोकने के बजाय और बढ़ा दिया, ये गलती मैं लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो कि मैं 2009 में की थी, 2010 में की थी, उस गलती को आप लोग प्लीज मत दोहराइए। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो प्लीज वजन को उसी समय रोकने का कोशिश करें। बाकी मैं हमेशा आपके लिए एक्सेल और एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस लेते आऊंगा, और हमने अब टैबलो और बीआई टूल्स की वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिया है, सर्वर की वीडियो भी अपलोड करेंगे कल से,
क्योंकि अब थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर आ गया हूँ मैं, तो मैं कल से वीडियोस अपलोड करूँगा और आप उसको फॉलो कीजिएगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है और उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लिए थैंक यू, और ये वीडियो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, उनको भी पॉजिटिव जो है एनर्जी मिलेगी। और याद रखिएगा, शुगर को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है एक कच्चा करेला सुबह खाली पेट। ये मैंने 7 दिनों में 121 पॉइंट को कम किया है और उसका प्रूफ आपके सामने है। ये आपका मैं दोबारा दिखा देता हूं ताकि आप लोग देख ले। ये हमारा 28 मार्च का रिपोर्ट है जिसमें ब्लड शुगर 225/321 है, और ये हमारा आज है 3 मार्च का रिपोर्ट है जिसमें मेरा ब्लड शुगर 165/201 है। हालांकि मैं अभी नॉर्मल जोन में नहीं हूं, लेकिन हाँ कमा है तो इससे खुश हूं, आगे भी कमेगा, क्योंकि तो एक हफ्ते में बिना मेडिसिन के कमा तो मतलब है कि अब और भी कमेगा अगर इसको मैं कंटिन्यू रखूं तो। और फिर मैं अगले हफ्ते फिर अगली रिपोर्ट लेके आऊंगा और फिर बताऊंगा कि मेरा कितना ब्लड प्रेशर, कितना वजन और कितना ब्लड शुगर बढ़ा है। टाइम वापस दीजिए, हैव ए नाइस डे। और जाने से पहले बता दूं, फिर 90 सेकंड।